खरगोन में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने पदनाम, ओपीएस और केंद्र के समान वेतन सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को नगर ब्लॉक और तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। दोपहर में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। संघ के जिला संगठन मंत्री जगदीश भावसार, मार्गदर्शक हीरालाल तिरोले, जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पाटीदार, उप सचिव कड़वा पाटीदार सहित धरने की अध्यक्षता कर रहे तहसील अध्यक्ष लक्ष्मी चंद्र मुकाती ने कहा कि संगठन के संघर्ष से ही शिक्षकों ने अन्य कर्मचारियों की तरह पृथक वेतनमान पाया है। उधर अफसरों ने सरकार के माध्यम से कई सारे वर्ग संवर्ग बनाकर हमको बांट दिया है। शिक्षकों को केंद्र के समान वेतन, आवास भत्ता, योग्यताधारी गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, शिक्षा विभाग में अकारण रोकी क्रमोन्नति को बहाल करने की मांग नहीं मानी जाती है तो अगला कदम 11 मार्च को जिला स्तर पर धरना रैली एवं ज्ञापन का है और संघर्ष क्रमिक भूख हड़ताल भी की जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज पूरे प्रदेश में ऐसे मुख्यालय पर ज्ञापन, रैली और धरना है। ये प्रमुख तीन मांगों को लेकर के 35 साल से लगभग एक ही पद पर सेवा करने वाले पुराने शिक्षक संवर्ग की एक मांग है कि उनको वेतन जो मिल रहा है उसी के अनुरूप उनको पदनाम मिले, और दूसरा हमारे नवीन शिक्षक संवर्ग का पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के मांग है। सेवानिवृत्ति के बाद नई पेंशन में नाम मात्र की पेंशन मिल रही है जिससे जीवन यापन नहीं हो पा रहा है और सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिल रही है, तो इसलिए पुरानी पेंशन बहाली हो, इसको लेकर के है। साथ ही तीसरी मांग हमारी है कि केंद्र सरकार के समान हमारे राज्य सरकार के सारे कर्मचारी काम करते हैं तो उनको भी केंद्र के समान वेतनमान मिले, भत्ते मिले, इसको लेकर के ये धरना है। रैली निकलेगी अभी और इसके बाद SDM सर, अगर इसके बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? हम अभी इसको देखेंगे और इसके बाद जिला स्तर पर 11 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन और रैली है, ज्ञापन है, और उसके बाद भी यदि मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग प्रदेश स्तर पर क्रमिक भूख हड़ताल के लिए अगला कदम उठा सकते हैं। क्या नाम सर आपका? रमेश चंद्र पाटीदार, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।